अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटो कैट उर्दू में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में आपको डबल स्टोरी बनाना बताऊंगा। ये नहीं कि अगर आपने एक स्टोरी बना दी है, एक मंजिल आपने बना दी है, उसके ऊपर दूसरी मंजिल आप कैसे बनाओगे। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। मैंने पहले से ऑलरेडी आपके लिए फाइल ओपन कर रखी हुई है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देखें, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर हम स्टिल काम करते हुए आ रहे हैं। आपके पास एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब जो भी आपके पास मैप होगा उसके आपके पास सेकेंड स्टोरी आपको मस्ट डिजाइन करनी होती है। फिर आपको उसको बिल्कुल इसी तरह से अलहदा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको काम दिखाया, टोटली उसको अलहदा से आप उसको क्रिएट करें, जो भी उसका स्टाइल होगा, जो भी उसका डिजाइन होगा एलिवेशन के मुताबिक, फिर उसको जैसे उसके ऊपर मूव कर रख दिया जाता है। तो आए यही काम मैं आपको इधर सिखाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं तमाम एक्स्ट्रा लेयर्स को ऑफ कर देता हूँ। मुझको यहाँ पर जो लेयर चाहिए होगी, जस्ट मुझको मैं एक वॉल की लेयर ले लेता हूँ और एक मैप्स की ले लेता हूँ। अदरवाइज मेरे पास जितनी भी लेयर्स हैं, मैं तमाम की तमाम लेयर्स को ऑफ कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर दें। अब आप टॉप व्यू के अंदर चले जाएं, यहाँ पर आप कुछ मॉडिफाइड करना है। अब बेसिकली सबसे पहले तो वापस मैं 3D के अंदर जाऊंगा। सबसे पहले मुझको वॉल के ऊपर वॉल चाहिए, यानी दूसरी स्टोरी बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी वॉल्स को ऑन कर दूंगा 3D में जाके। अब आप इसे कॉपी करें, क्योंकि यही मैंने आपको कहा, आपके पास अलहदा से ही कहीं बना होगा मैप, उसको आप उठाकर इसके ऊपर रख देंगे। तो अब मैं यही काम कर रहा हूँ, फर्ज करें यही मेरे पास अलहदा से मैंने बनाया हुआ है, या सेम टू सेम यही डिजाइन ऊपर भी जा रहा है। तो आप क्या करें, इसको कॉपी कर दें, मैप्स को लॉजिक बनाए, बाकी तरीका यही है तमाम। मैंने इसको कॉपी किया और मैं इसको यहां से उठाकर ऊपर ले जाऊंगा, तो मैं इसको ऊपर तक लेकर चला गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली ये मेरे पास सेकंड स्टोरी ऐसे डिजाइन होगी। लेकिन मैं फिर आपको यहाँ पे बताता चलूँ, आपके पास इसके लिए टोटली मैप डिफरेंट होगा। जैसा आपके पास सेकंड स्टोरी का मैप होगा, बिल्कुल आप उसको अलहदा से ऐसे बनाएं, उठाकर इधर ऊपर उठाकर ले आए। अच्छा, अब मैं चला जाता हूँ अगेन टॉप व्यू के अंदर। कंट्रोल एस करने के बाद मैं टॉप व्यू के अंदर चला गया। टॉप व्यू के अंदर जाने के बाद अब मुझे सेकंड स्टोरी का छत बनाना होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, में जो इसके लिए छत बनाऊंगा, वो मैं इसके लिए चादर का बनाऊंगा, टीन से जो बनाया जाता है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास एक और आपके पास छत की लाइन होनी चाहिए। तो मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, मुझको थोड़ा थोड़ा छत बाहर भी चाहिए, तो बिल्कुल ऐसे ही मैं बाहर छोड़ दूंगा। अब यहां से मैं क्या कर लेता हूँ, इस जगह से मैं कुछ लाइनें ले लेता हूँ। मैंने कुछ लाइन इधर लगा दी है और मैं अपनी लेयर्स को सबसे पहले ऑन कर दूंगा। मैं जीरो के अंदर क्या चला गया, लेयर जीरो के अंदर। तो यहां से मैं कुछ लाइनें इधर ले लेता हूँ और ये है। अब आप इसको ऑफसेट दें, मैं इसको ऑफसेट देता हूँ 2 फिट्स का, वही जो मैं पीछे देकर आया था अपने पिछले लेसन के अंदर, यानी कि जो मैंने उसको ऑफसेट दिया है। अगर आपको देना है नहीं, तो आप बिल्कुल साइड साइड से भी निकल सकते हो आगे की जाना। अच्छा, आप फिलेट के अंदर चले जाएं। अब फिलेट को देखिए, रेडियस आपके पास 0 का होना जरूरी है। यहाँ पे जो मुझे रेडियस दिखा रहा है, ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे और एंटर कर देता हूँ और 0 दे देता हूँ। अब आपके पास रेडियस 0 का हो चुका है, इस लाइन को क्लिक कर दें और अब आप इसको यहाँ से नीचे इसको क्लिक कर दें। ठीक है, इसी तरह से इसको डिलीट किया। अगेन आप इसको एक क्लिक करेंगे, दूसरा क्लिक आप इसे कर देंगे, तो देखिए आपके पास ये एक बाहर बाहर से एक बॉर्डर बन चुका है। आप इनको सीधा भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको आपको, क्योंकि टेढ़ा मेरा जो जो कि टेढ़ा होगा, जो कॉर्नर्स वाला होगा, ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा होगा, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अब आप इसकी कॉपी बना दें लाइनों की। मैंने ये लाइन ले ली, ये ले ली है, बेशक बड़ी लाइन है, कोई मसला नहीं, मैं इसकी कॉपी बना के बाहर ले जाऊंगा। मैंने आपको ऑप्शन बताई हुई है बेसिकली ये छत बनाने की। बहरहाल दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, आपके माइंड में आ जाएगी फौरन, अभी आप इसको ट्रिम करते हैं। अगर आपने फैसल मस्जिद वाला प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो आप इसको इजीली क्रिएट कर लेंगे। अब आप इसको ऑफसेट दे दें तकरीबन 12 12 फिट्स का। अब ये मैंने इसको 12 फिट्स दे दिया है। आप एक मिडिल पे लाइन ले लें, यहाँ पे जाके शिफ्ट एट द रेट x0 y0 में जेड एक्सिस पे ही 12 फिट्स की लाइन लेना चाहूंगा। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ आगे की जानब, मैं इसको आगे की जानब लेकर चला गया, जिधर मैं इसको लेकर जाना था, इसके बिल्कुल सीधे पॉइंट्स पे लेकर जाएंगे आप। तो मैं अगेन इसको बेहतरीन तरीके यहाँ पे इसको मिरर करते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइनें की छोटी बड़ी हो रही थी, तो इसलिए इनके पॉइंट डिफरेंट हो जाते हैं, आप परफेक्ट आ चुके हैं। अब आपने ये कर दी, अब ये लाइनें आपके पास फर्जी लाइनें थी, आप इनको डिलीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या करना है, आपने रूफ को इसके ऊपर लगाना है। पहले सबसे पहले छत बनाना है, टीन चादर का छत बना रहा हूँ मैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ड्रॉ के अंदर जाएंगे, सरफेस के अंदर जाएंगे, आपके पास है 3D फेसेस की ऑप्शन, आपको मैंने बताई थी, इसी से ही आपने फैसल मस्जिद का छत वगैरह डिजाइन किया था। तो 3D फेसेस को उठा लेता हूँ, एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया और तीसरा क्लिक किया, स्पेस लगाए। अब याद आया ना आपको,
मैंने आपको कहा था ना कि ऑप्शन आपने की हुई है, तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप स्टूडेंट्स इस लेसन को ले रहे होंगे, ऑटो कैट की सीरीज के ऊपर चल रहे होंगे, तो आप इजीली हर एक चीज को क्रिएट कर लेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे होंगे तो डेफिनेटली फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब इसमें ये पॉइंट्स दे दिया, अब ये दे दिया है, ये पॉइंट दे दिया, और फिर मैंने जो पॉइंट्स नजर आ रहा है आपको वही आपको देना होगा। एक पॉइंट ये दे दें, दूसरा पॉइंट ये दे दें, और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कंट्रोल एस किया मैंने, यहाँ पे मैं पॉइंट्स गलत दे चुका हूँ, वापस मैं इसको परफेक्ट कर लेता हूँ। इसको मुझे ये बैक वाला पॉइंट देना था क्योंकि कर्व शेप मेरे पास आ रही थी कॉर्नर। इस तरह से मैंने अपने आपको 3D व्यू अपना चेंज किया। अगेन आप 3F लगा दें, 3D फेसेस, आपके पास एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आपके पास ये है, और तीसरा पॉइंट आपके पास अगेन ये है, ठीक है। अच्छा इस तरह से देखिए, अब ये कॉर्नर्स मेरे पास ब्लैंक रह चुके हैं। तो फिर थ्री फेस, 3D फेसेस के ऑप्शन एक्टिव करें, एक पॉइंट दे दें और जेड एक्सिस पे आ जाएं, अगेन आप इधर चल चलते हैं और स्पेस लगा दें। देखिए ये कवर हो चुका है। सेम यहाँ से भी शायद मैं पॉइंट गलत दे गया था, तो इसमें पिक करके इसको भी मैं पॉइंट ठीक दे देता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये कुछ ऐसे नजर आएगा यहाँ पे, बिल्कुल 3F 3D फेसेस के ऑप्शन उठाएंगे, आपके पास एक पॉइंट इधर आ रहा है, अगेन दूसरा ऊपर है और तीसरा गेम नीचे, तो स्पेस लगा दें। अब देखिए आपके पास ये शेप बन चुकी है। अब अपने आप को घुमाएंगे तो आपके पास ये कुछ ऐसे बना हुआ आ जाएगा। देखा स्टूडेंट्स आपके पास कितना इजी, आपने दूसरी मंजिल के लिए भी छत बना डाला। अब मसला ये है, इसको मैंने इस चीज के ऊपर ऊपर लाना है। अब ऊपर लाने की आपके पास सबसे जो इजी तरीका है वो ये है, क्योंकि आपने ये लाइन बेस बनाई हुई है, तो अब आपने एक काम थोड़ा सा फर्जी काम करना होगा। अब इसको मूव के ऑप्शन लगाएंगे इनमें से किसी भी एक लाइन को, मैंने इसकी कॉपी करके मूव कर देता हूँ, कॉपी की ऑप्शन ले लिए, पॉइंट दे दिया, शिफ्ट एट द रेट, पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वाई की है, तीसरी जेड की है। अब वैल्यू देने से पहले देखें आपको मालूम होना चाहिए आपने कितनी वैल्यू दी है। याद रखिएगा आपके पास जो सिंगल मंजिल की हाइट आ रही है वो है 10 फुट 6 इंच, आपने एक और 10 फुट 6 इंच की हाइट बना डाली क्योंकि मैंने इसी को कॉपी ऊपर किया ना। 10 और 10 20 फिट हो गया, 6 इंच और 6 इंच 20 21, यानी कि मेरे पास 20 21 फिट की जगह ये हाइट्स बन रही है, 21 फिट का जेड एक्सिस आ रहा है, तो मैंने इसको 21 फिट दे दिया है। तो अब देखिए आपके पास ये 21 फिट पे चली गई है लाइन। अब अपने स्टूडेंट्स करना क्या है, यहाँ पे मूव के ऑप्शन लगाएंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, मूव करें, एक कॉर्नर उठा लें इसका, और वही कॉर्नर सेम टू सेम जाकर इस लाइन के ऊपर क्लिक कर दें क्योंकि मैंने इसका एंड उठाकर ऊपर फेंका है। तो देखिए कंट्रोल एस कर दें, आपका दूसरी स्टोरी रेडी हो चुकी है, उसका छत भी आपके पास ये ड्रॉ हो चुका है। तो अब आप अपने लेयर्स को ऑन करें, अब देखिए जैसे मैं अपनी लेयर्स ऑन की हैं तो मेरे पास ये आ चुका है। मैं आपको फिर बताता चलूं स्टूडेंट्स, बेसिकली मैप्स के अंदर होता क्या है, मैं भी आपको मैप्स ओपन करके देता हूं। तो इसके लिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स देखिए मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मैप्स होंगे। अब मेरे पास देखिए एक मैप्स कलेक्शन है। अब मैं बेसिकली जो चीज आपको बता रहा था वो ये थी, देखें ये तो आपके पास ग्राउंड फ्लोर बन चुका है, आपने बना डाला, मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया। अब जो उसका फर्स्ट फ्लोर आएगा, अब उसमें हमें कुछ चेंजिंग करनी होगी जो कि मैंने इस कलेक्शन के अंदर आपको बता दी है। ये मैंने पहले बताया आपके पास 150 से ज्यादा मैप्स की पूरी कलेक्शन अवेलेबल है, आप इसको हमसे परचेज कर सकते हैं। जस्ट आप हमें कॉल करेंगे 03145014268 पर मजीद मालूमात के लिए। तो स्टूडेंट्स देखें अब मेरे पास ये सेकंड मैप्स है, यानी कि सेकंड स्टोरीज की आ रही है। अब इसके अंदर सिर्फ जो चेंजिंग आई है, जो मेन चेंजिंग है, वो हमने क्या किया, यहां से इस एरिया से जो हमने कार पार्क का एरिया इधर बनाया था, यहाँ पे देखें ये जो कार पार्क का एरिया था ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे टेरिस में कन्वर्ट कर दिया है। तो जस्ट ये हल्की फुल्की चेंजिंग होती है फर्स्ट और सेकेंड स्टोरी के अंदर। तो इसीलिए मैंने आपको ये जो प्रोजेक्ट बता रहा हूँ मैं 3D का, इसके अंदर मैंने क्या किया उसी के ऊपर मैं इसको कॉपी करके ऊपर ले गया हूँ। बहरहाल कंसेप्ट दोनों का एक जैसा है, आप एक्स्ट्रा थिंकिंग करें तो देखिए आपके पास ये चीज एक जैसी बनी हुई आ जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इसके ऊपर सिंपल एक छत लगाने का तरीकेकार। तो स्टूडेंट्स आप मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xvacademy.com, जहां पर तमाम कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में आपसे एक टेस्ट लेने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी आप किसी भी वक्त कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू हमारी वेबसाइट से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स
अगर आप मजीद मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या हमें कॉल कर सकते हैं 0314-5014-268 पर। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।